खबर मिल रही है ई टेंडर घोटाले मामले में फिलहाल मोंटाना आदित्य के 14 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार शाम से जारी छापेमार कार्रवाई में करोड़ों रुपए के कर चोरी के प्रमाण मिले हैं। आयकर विभाग की टीम भोपाल, हैदराबाद सहित 14 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। जानकारी मिली है कि ईडी से मिली जानकारी के बाद आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। आईटी की टीम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग के दस्तावेजों में करोड़ों रुपए की कर चोरी के, टैक्स चोरी के प्रमाण मिले हैं। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आयकर विभाग की टीम अभी भी दस्तावेज खंगाल रही है, डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है और जल्द ही अफसर करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा कर सकते हैं। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडरिंग घोटाले में अब आरोपियों पर शिकंजा कसने की कवायद तेज हो गई है। ई टेंडर घोटाले मामले में आयकर विभाग ने मोंटाना आदित्य के 14 ठिकानों पर दबिश दी है। मंगलवार शाम से ही लगातार जो छापेमार कार्रवाई है वो जारी है, जिसमें करोड़ों रुपए की कर चोरी के प्रमाण आयकर की टीम को मिले हैं। आयकर टीम ने भोपाल, हैदराबाद के करीब 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ईडी के बाद आयकर विभाग की जो टीम है वो अभी जानकारी में जुड़ी हुई है। आईटी की जो टीम है उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के दस्तावेजों में करोड़ों रुपए की कर चोरी के प्रमाण मिले हैं। हालांकि अब इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आयकर विभाग की टीम अभी भी दस्तावेजों को खंगाल रही है। जल्द ही अफसर करोड़ों की कर चोरी का खुलासा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मोंटाना का जो भोपाल स्थित निवास है वहाँ पर अभी लगातार कार्रवाई चल रही है और अंदर जो आयकर विभाग की टीम है वो तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगाल रही है और वहीं किसी को भी ना तो अंदर जाने की अनुमति है ना ही बाहर आने की जो अनुमति है वो दी गई है और जो पुलिस के कर्मी हैं वो यहाँ पर विशेष रूप से तैनात किए गए हैं। अभी कार्रवाई में थोड़ा और वक्त, थोड़ा और समय लग सकता है, जिसके बाद इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो हो सकेगा। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए।